सनातन धर्म, इसके ऊपर सवाल उठाने वाले लोग कि सनातन धर्म नहीं है, इसके पास कोई विज्ञान नहीं है, इस प्रकार के लोग, मुझे सोच करके आश्चर्य होता है कि वो लोग बिना देखे, बिना पढ़े, बिना खोज किए, बिना हमारे वेदों के अंदर जाके, बिना हमारे शास्त्रों के अंदर खोज करे, वैसे ही उठाते कुछ भी बोल देते। और ये हमारे सनातनी भाई, जो वो लोग बोल देते हैं उसी को मान लेते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हमारा साइंस कितना पुराना है। हमारा सनातन केवल धर्म नहीं है, ये एक खोज है। हमारे जो ऋषि हैं वो वैज्ञानिक हैं। हमारे जो ऋषियों ने खोज की, आज भी वैज्ञानिक उसी प्रकार से खोज करते हैं, अकेले में रह करके, टीम बना करके, तैयारी करके, सारे उपकरण तैयार करके, उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि करते थे। उनकी लैब होती थी जंगलों के अंदर, कितनी तगड़ी तगड़ी खोज की उन्होंने, विमानों की खोज कर दी, परमाणु की खोज कर दी, अणु की खोज कर दी, मैथ की खोज कर दी, सुनने की खोज कर दी, उस समय के ऊपर आज से 2500 वर्ष पहले, जब लोग ये भी नहीं जानते थे कि साइंस का सह भी और ऑपरेशन का एह भी नहीं पता था लोगों को, उस समय हमारे सुश्रुत मुनि सर्जरी करते थे। कितने गौरव की बात है, विदेशों के अंदर उनकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, और ये हमारे देश में बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ कुछ नहीं होता। ये तो अंग्रेज आ गए और कुछ सिखा गए, नहीं तो ऐसे ही गवार रहते। उनको ये मालूम नहीं, अंग्रेज आ गए और संस्कृति और साइंस का विनाश कर गए, नहीं तो हम बहुत आगे होता, बहुत आगे होता ये देश। साइंस देखो, गणेश जी का सिर उतारा, हाथी का लगा दिया। मजाक लगता आप लोगों को ये। चीन में भी एक रिसर्च हुआ कि आदमी की गर्दन उतारी, दूसरे की लगा दी, कुछ पल के लिए वो व्यक्ति जीवित रहा कुछ पल के लिए, लेकिन चला गया फिर। ये भी आपको झूठ लगता होगा। आप के हाथ में फोन है, आप देख सकते हैं, उठा करके रिसर्च कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको कि सही क्या है, गलत क्या है, पता चल जाएगा आपको। हमारा जो सनातन धर्म है वो आविष्कारों की जननी है। उन्होंने मानव को जीना सिखाया है, उन्होंने मानव को रहना सिखाया है, उसने मानव को एक इंसान बना दिया। भोजन पकाने से लेकर के वस्त्र पहनने तक संस्कृति हमारी मिल रही है। कहीं भी आप जमीन उखाड़ करके देख लीजिए, हमारी ही संस्कृति दबी हुई मिलेगी। चाहे कहीं शिवलिंग मिलो, चाहे कहीं मूर्तियां मिलो, चाहे कहीं हमारे द्वारा बनाए गए महानगर मिलो। उस समय पर हमारे इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और जो आज लोग खोज रहे हैं वहाँ से एलियन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि आँख बंद किया और उन्होंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, टच में आए, और वहाँ से साइंस के लिए जो वस्तुएं मंगानी है बात की और तालमेल बनाया और मानव जीवन में उनका उपयोग कर दिया।
जो आज नहीं हो रहा, आगे आने वाले समय में हो जाएगा। तो हमारा सनातन धर्म मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करता। हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानता है, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करता। हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानता है, खोज को मानता है, सच्चाई को मानता है। पहले तोलता है फिर बोलता है। तो जो हमारे सनातन को बेवकूफ मानते हैं वो लोग खुद बेवकूफ हैं, पागल हैं वो लोग। उनको नॉलेज ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। हमारे पास उस समय ऐसा साइंस था जो विश्व के पास आज तक भी उपलब्ध नहीं है।